22 जनवरी को फरियादी दिनेश पिता लोटू जाटव निवासी मारोरा आहिर ने थाना पोहरी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अज्ञात बदमाशों द्वारा घर में घुसकर 50,000 रुपए नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चोरी हो गए, जिस पर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश हिंगरकरड़ द्वारा उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली, जिसके बाद उक्त घटना के आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। कल पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उक्त लूट और डकैती की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ग्राम कपराना की मार में बैठे हैं। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने तीन हिस्सों में बंटकर घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा। आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने उक्त घटना स्वेच्छा से करना स्वीकार किया। आरोपियों में लखन, सीताराम, हरिवल्लभ है। उनके अन्य साथीगण अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकले। आरोपियों से लूटा गया माल के साथ ही 315 बोर का कट्टा व 2 जिंदा राउंड एवं 1 कटकेदार चाकू, लोहे की 1 तलवार एवं लाठी बरामद की। जो है जैसी सूचना आई है पुलिस तत्काल वहां पहुंची है, और पहुंचने के बाद में जो तीनों चारों जगह पे इनके मूवमेंट मालूम पड़ रहे थे, उस आधार पे और मेहनत करके टीम ने जो है इनके आरोपियों को पकड़ लिया। इनके पास से डकैती का पूरा माल रिकवर कर लिया गया है, और जो एक भय व्याप्त था पोहरी क्षेत्र में, वो भय खत्म। यही लोग जो हैं ये रात में भी दिखते थे, दिन में भी देखते थे। घेराबंदी का भी हम लोगों ने प्रयास किया था, पर हर जगह बच रहे थे, और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए।